नीट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया है नोटिस। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। एनटीए और केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका को लेकर के बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। 0.01% भी खामी मिली तो सख्ती से निपटेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की छात्रों की शिकायत को एनटीए नजरअंदाज ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। अर्जी में परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच कराने की मांग है। 8 जुलाई को होगी मामले पर अगली सुनवाई। यू हैव टू फाइल अ रिप्लाई बट एट द सेम टाइम बी वेरी क्लियर दैट यू हैव टू असिस्ट द कोर्ट इन दिस। सर, व्हाट हैपेंड टुडे इन द हियरिंग रिगार्डिंग तो देखिए मामले को लेकर आपको जानकारी दे देंगे। सवाल यही है कि नीट आखिर कितना नीट और क्लीन है, क्योंकि गड़बड़ी कहकर के क्या वाकई में बचा जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। क्योंकि वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि 0.01%, यानी कि अगर कुछ हल्का बहुत भी गड़बड़ पाया जाता है तो फिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर के देश भर में ही परीक्षा से जुड़े छात्र भर्ती परीक्षा को लेकर के कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है। पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये बात मानी। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसी शिकायतें मिली थी कि कई जगहों पर गलत पेपर दिए गए। गलत पेपर के इतर जो समय सीमा है उसमें ग्रेड अंक की भी बात उनके द्वारा कही गई, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। बयानों में भी कहीं ना कहीं कुछ छिपा हुआ प्रतीत क्या सुप्रीम कोर्ट को भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है और खामी मिली तो सख्ती से निपटने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करने की बात कही है, क्योंकि याचिका में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। अब नीट परीक्षा को लेकर अगला क्या रुख रहता है वो भी, क्योंकि इस पर यह भी बात सामने आ रही थी कि नीट परीक्षा को लेकर के जो एनटीए है उसको लेकर के बात आ रही थी कि एनटीए कहीं ना कहीं जो सबूत उससे मांगे जा रहे थे, परीक्षा से जुड़े इनपुट, उसको लेते हुए एनटीए का रुख कितना स्पष्ट था वो भी साफ नहीं हो पाया था। क्या एनटीए की ओर से तमाम वो लीड्स दी गई थी जो उससे मांगी जा रही थी, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे। और जब शिक्षा मंत्री का बयान है तो कहीं ना कहीं उन्होंने एनटीए को लेकर के भी अपनी बात कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस अर्जी पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि देश भर के बच्चे इस परीक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं, लंबे समय तक तैयारी करते हैं, और अगर उनके साथ किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, किसी भी तरह की चीटिंग होती है, नीट अगर नीट नहीं रहती तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना शिकंजा कसेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट, एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। नितिन विजय की याचिका पर मांगा गया है जवाब, और खामी देखिएगा चाहे कितनी भी महीन क्यों ना हो, कितनी महीन क्यों ना हो, 0.01% की भी अगर गड़बड़ी है, अगर वाकई छात्रों को पेपर जो है गड़बड़ मिले हैं, अगर कोई दूसरा पेपर उन्हें दे दिया गया था, कितने भी छात्र क्यों ना हो, किसी भी छात्र के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी मैनेजमेंट स्तर पर ही क्यों ना हो, तो फिर उस पर सख्ती से निपटने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। और इसको लेकर देखिए पूरे ही देश भर में नीट को लेकर के इतना ही नहीं, जो विपक्ष है वो भी अब हमलावर हो गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कहा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, उन्होंने कहा था कि इस पर बात होनी चाहिए नीट को लेकर के, जिस तरह से छात्रों में रोष व्याप्त है, नीट परीक्षा को लेकर जो सवाल कर रहे हैं, नीट को लेकर जो गड़बड़ झाले की बात आ रही है उस पर अपना जवाब देना चाहिए। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही थी। तो यानी कि जो नीट का मामला, एक तरफ जहां छात्र अपनी बात रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी इस मामले में की, वहीं राजनीति भी कहीं ना कहीं अब इस पर होने लगी है। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्जाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, और अगर इसमें आप
एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए, आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफी फटकार लगाई है और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8 के लिए लगा दिया गया। तो देखिए, अब देव सुना इस मामले से जुड़े एडवोकेट को भी, उनका कहना था कि एनटीए को फटकार लगाई गई है और अब कहा है कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए।